हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल टॉप से और टूडे में। आज हम डिस्कस करने वाले सन फार्मा एडवांस रिसर्च कंपनी लिमिटेड। इस स्टॉक के अंदर आज के दिन 15 रुपए 80 पैसे की गिरावट देखने को मिली है और ये स्टॉक 5% से भी ऊपर की गिरावट दिखा चुका है। स्टॉक करंट लेवल पर 300 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पर ट्रेड करके रखना चाहिए। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म में हाई बना था 467 रुपीज का और ऊपरी लेवल पर स्टॉक में लगातार सर्किट लगता हुआ नजर आ रहा है और स्टॉक डेली लगभग 2 से 3% गिरता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक के अंदर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था 340 रुपीज, जो कि हमने पिछली वीडियो में भी बताया था कि स्टॉक अगर 340 रुपीज के प्राइस को ब्रेक डाउन देता है तो वहां पर स्टॉक के अंदर एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है और सेम वैसा ही देखने को मिल जाएगा। जैसे स्टॉक ने 340 रुपीज के प्राइस को ब्रेक डाउन दिया है, स्टॉक के अंदर करेक्शन देखने को मिल रही है। अब इस स्टॉक के अंदर जो नीचे का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो 285 रुपीज पर है। 285 रुपीज पर इस पॉइंट पर देखें तो स्टॉक ने पहले यहाँ पर एक हाई बनाया था, ऊपरी लेवल पर एक करेक्शन दिखाया था और 242 रुपीज के प्राइस को रिटेस्ट करके स्टॉक में एक बाउंस बैक देखने को मिलाएगा। तो स्टॉक का जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो 282 रुपीज पर बनता हुआ नजर आ रहा है। अभी करंट लेवल से देखें तो लगभग 15 से 16 रुपए नीचे स्टॉक का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगर स्टॉक इस प्राइस को भी ब्रेक डाउन किया तो स्टॉक का जो नीचे का एक बड़ा सपोर्ट लेवल होएगा वो 220 रुपीज पर करीबन बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि फिर स्टॉक एक रेंज बोन में ट्रेड करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि स्टॉक काफी टाइम तक इस प्राइस के पास कंसोलिडेट करता रहा 220 रुपीज पर और फिर यहां से जब स्टॉक के अंदर एक तेजी का मोमेंटम देखने को मिला था तो स्टॉक में लगातार ऊपरी लेवल पर एक बड़ी रैली आती हुई नजर आई। अगर हम गिरावट का रीजन देखें तो स्टॉक के अंदर दो ही रीजन हो सकता है। पहला कि ये स्टॉक काफी तेजी से भाग चुका था ऊपरी लेवल पर, जिन निवेशकों को इस स्टॉक में एक अच्छा प्रॉफिट हो रहा था वो इस स्टॉक के अंदर एक मुनाफा वसूली करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि कंपनी का क्वार्टर फोर के रिजल्ट अनुमान के मुकाबले उससे ज्यादा कमजोर आते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर लोगों का ये मानना है कि स्टॉक में इतनी बड़ी रैली जो देखने को मिली थी वो कहीं ना कहीं ज्यादा ठीक नहीं है, इस वजह से इस स्टॉक में निवेशक डर रहे हैं और लगातार इस स्टॉक को बेचते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर आपके पास भी स्टॉक है तो नीचे में अराउंड 285 रुपीज का एक इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस रख सकते हैं, क्योंकि जिन निवेशकों ने इस स्टॉक को ऊपर खरीदेगा उन्हें ऑलरेडी काफी बड़ा नुकसान हो रहेगा। अगर स्टॉक नीचे में 285 रुपीज का सपोर्ट लेवल नहीं बनाता तो वहां पर स्टॉक के अंदर और बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।